हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी अलग है। ये वीडियो है रिलेटेड टू आर रिसेंट विलेज विजिट, जो हमने अपने गांव विजिट किया था अभी रिसेंटली, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे अपनी कुछ जानकारी शेयर की है। जब हम छोटे थे तो ऐसा लगता था कि बड़े बड़े शहरों में बहुत गजब की जिंदगी होती होगी, लेकिन जब इन भीड़ भाड़ और पॉल्यूशन से भरे शहरों में रहते हैं तब जाके पता चलता है कि असली जिंदगी तो गाँव में या फिर छोटे शहरों या कस्बों में ही बसी है। तो जब हमने भी सोचा कुछ दिनों के लिए अपना समय अपने विलेज में बिताते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एहसास है ना, जो आप देखेंगे कि लहलाते हुए पेड़ और फ्रेश हवा, पोल्यूशन का कुछ मतलब नामो निशानी नहीं, और मतलब लोगों से मिलना जुलना, घर आना जाना, एक अलग ही व्यवहार यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि शहरों में हमें अब नहीं मिलता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी अच्छी हवा चल रही है और पौधे यहाँ पे लहला रहे हैं, और ये जो रोड है जिस पर हम अभी चल रहे हैं, इसके बारे में अगर बताऊँ तो इसके दोनों तरफ आपको छोटी नदियाँ या नहर हम कह लें, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो राइट लेफ्ट दोनों तरफ यहाँ पे नदी या नहर आपको मिल जाती है। इससे हम आगे बढ़ें अपने गाँव की तरफ तो यहाँ पे आपको नदी का भी एक व्यू देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी, मतलब आप लगभग साल के 12 महीने इसमें पानी रहता है, तो आप यहाँ पे आराम से मतलब बैठ के कुछ समय बिता सकते हैं। एक अच्छा अनुभव रहता है यहाँ पर, अगर आप थोड़ा समय बिताना चाहें तो आराम से टाइम पास कर सकते हैं। अब हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत करीब पहुंच गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोड के दोनों तरफ आपको मिलेगा कि गन्ने या ईख की फसल आपको दिख रही है, क्योंकि इस समय सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में गन्ना या ईख की फसल हमारी रेडी रहती है, सीजन चल रहा होता है। आपने सड़कों पर, रोड पर भी देखा होगा, ट्रक और ट्राली भर के गन्ने जा रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। अभी जो हमने रास्ते में एक ब्रिज देखा था, इस ब्रिज को अगर हम देखें तो ये ब्रिज अकेला नहीं है, इसके साथ एक और ब्रिज है और वो इसके सामने है। ये है रेलवे ब्रिज, जो कि इससे 50 से 60 मीटर की दूरी पर है। ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे अगर आके बैठ जाओ तो टाइम का पता नहीं चलता। एक तरफ रेलवे ब्रिज, दूसरी तरफ ये नॉर्मल ब्रिज है आवाजाही के लिए। ये एक बहुत अच्छी जगह है कि यहाँ पे अगर आप बैठ जाओ तो 3 से 4 घंटे ऐसे बीत जाते हैं, नीचे पानी बहता रहता है, और एक तरफ रेलवे ब्रिज, दूसरी तरफ नॉर्मल ब्रिज है। 1.5-2 घंटे में एक ट्रेन भी गुजरती रहती है, तो एक अलग ही अनुभव को होता है। गांव में पहुंचकर बच्चों को भी मतलब अलग ही एक अनुभव होता है, उन्हें शहर से हटके एक फीलिंग सी होती है, तो चेहरे पे अलग ही एक मुस्कुराहट आ जाती है बच्चों के भी, जो कि देखते ही बनती है। घर की बात करें तो जैसे शहरों में तो भाई हम फल सब्जी खरीद के खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर गमलों में चीज़ें लगा सकते हैं, गांव में हमारे पास स्पेस होता है। तो ये कुछ सब्जियां हैं जो घर में ही हमने उगा रखी हैं। शलजम आप देख सकते हैं यहाँ पे, सरसों है, और इसके अलावा आपको मिल जाएंगे गाजर, हरी मिर्च जो कि बहुत कॉमन होती है, तो आप शहरों में भी उगा सकते हैं। सब्जी उगाने के पीछे जो मोटिव है वो ये है कि भाई बाहर से खरीद के खाना वहाँ पे पोल्यूटेड मिलती है, तो इससे अच्छा कुछ ज़रूरत की सब्जियाँ हम घर में ही उगा लेते हैं। बाकी यही था आज की वीडियो में, होपफुली आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय।